सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। वहीं हरियाणा चुनाव आयोग के ज्वाइंट सीईओ डॉक्टर इंद्रजीत ने MH1 न्यूज से खास बातचीत की। हरियाणा के अंदर 12 मई को चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हरियाणा के अंदर कुल कितने मतदाता हैं और उनके एज ग्रुप क्या क्या हैं, इन सारे मामलों पर हम बातचीत करेंगे। हरियाणा के जो ज्वाइंट सीईओ हैं उनसे, डॉक्टर इंद्रजीत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए हरियाणा के अंदर मतदाताओं की, कितने मतदाता हैं और उनके एज ग्रुप क्या क्या हैं? हरियाणा में इस समय जो टोटल इलेक्टर हैं, मतदाता हैं, इनकी जो संख्या है 1,80,56,896 है, जिसमें से सर्विस वोटर 1,05,859 हैं और दिव्यांग मतदाता 1,04,534 है। अगर एज वाइज बात की जाए तो 18 से 19 के बीच में जो मतदाता हैं उनकी संख्या 3,00,000 है। और आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा कि 31 जनवरी को जो हमारा रोल प्रकाशित हुआ था उसमें इनकी संख्या 18 से 19 की वो 1,40,000 थी और इस दौरान जो एक्टिविटीज चली, स्वीप एक्टिविटीज के अंतर्गत लोगों को मोटिवेट किया गया वोट बनवाने के लिए, तो इस दौरान 1,60,000 मतदाता जुड़े। तो इस प्रकार से 18 से 19 के बीच में जो संख्या है वो 3,00,000 है। अगर डॉक्टर साहब चर्चा की जाए दिव्यांगों की, दिव्यांगों के लिए क्या विशेष व्यवस्था रहेगी, वो किस प्रकार से अपने मतदान करने के लिए वोटिंग स्टेशन तक पहुंच पाएंगे, उनके लिए क्या प्रबंध किए गए? देखिए, जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए एक PWD ऐप लॉन्च किया गया, एक नई फैसिलिटी है कि इसके अंदर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को मार्क कर सकता है, इसके माध्यम से वोट भी बनवा सकता है और PWD ऐप पर वो व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। जिन्होंने एडवांस में व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट की है, जिला प्रशासन की ओर से उनको व्हील चेयर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर डॉक्टर साहब चर्चा की जाए इस वक्त कितनी पुलिस फोर्स इसमें तैनात रहेगी और इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की कितनी टुकड़ियां अभी तक आपके पास आ चुकी हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए क्या क्या कड़े कदम उठाए गए हैं? कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जो हरियाणा पुलिस है पूरी तरह से मुस्तैद है, जिला प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर वो कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में 95 कंपनियां अब की बार आ रही हैं और इन सब की अगर संख्या मिला ली जाए तो करीब 60,000 से 70,000 के बीच में पुलिसकर्मी और जो हमारे जो सेंटर से आ रही हैं उनकी ये संख्या बन जाएगी। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि मतदान होने के बाद मतगणना तक एक लंबा पीरियड बीच में रहेगा, तो स्ट्रांग रूम्स वगैरह कैसे बनाए जाएंगे, क्या व्यवस्था आप लोगों की तरफ से रहेगी और इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि क्या कोई कंट्रोल रूम भी यहाँ आप बनाने जा रहे हैं? देखिए, मतगणना के लिए जो आपने बात की, काउंटिंग सेंटर बन चुके हैं, स्ट्रांग रूम बन चुके हैं कि जो हमारी EVM है कि पोल्ड अनपोल्ड अलग अलग से कैटेगरी बनी हुई है उनको रखने के लिए स्ट्रांग रूम जिला स्तर पर बनाए जा चुके हैं और जैसे ही मतदान हो जाएगा और वो मशीनें वहां पर आएगी तो वो वहां पर रख दी जाएंगी, लॉक कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा ताकि, और 3-टायर सिस्टम रहेगा सुरक्षा का वहां पर ताकि एक सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर वे से बनी रहे। हरियाणा के अंदर मतदान के लिए अगर देखा जाए 12 मई के लिए विशेष रूप से संवेदनशील, अति संवेदनशील, इनका वर्गीकरण आपने किया होगा, किस हिसाब से किया, कौन कौन से ऐसे संख्या आपके पास क्या है? देखिए, ये जो संख्या है हमारे पास संवेदन अति संवेदनशील, इसका इसके ऊपर जो वर्क होता है हमारा जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है और ऑब्जर्वर के साथ मिलकर सेंसिटिव पोलिंग जो स्टेशन 2463 और हाइपर सेंसिटिव 2734 और जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वो 247 है। डॉक्टर साहब, अगर पैसे की बात की जाए, अलग अलग जैसे कहीं से नकदी बरामद हुआ, कहीं से शराब बरामद हुई, कहीं से और नशीला पदार्थ बरामद हुआ, इस तरह की पैसे की रिकवरी की बात की जाए तो टोटल अभी तक कितनी रिकवरी हो चुकी है? अभी तक जो कैश पकड़ा गया हरियाणा में, हरियाणा पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7.2
0.05 करोड़, इसी तरीके से जो लिकर है जिसकी मार्केट वैल्यू 6.56 करोड़, इसी प्रकार से जो ड्रग्स नारकोटिक्स है 9.38 करोड़, इसी प्रकार से जो गोल्ड है 1.12 करोड़। तो इस प्रकार से सभी की अगर वैल्यू मिला ली जाए तो ये जो बनती है 24.13 करोड़ रुपए। तो ये हैं डॉक्टर इंद्रजीत जो कि विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि 12 मई के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, कितनी फोर्स तैनात की जाएगी और जिस प्रकार से दिव्यांगों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिन लोगों ने जो ऐप बनाई गई थी चुनाव आयोग के द्वारा वहां अप्लाई किया तो उनको घर से वाहन लेने भी जाएगा और उसके अलावा सारी सुविधाएं उनके लिए विशेष रूप से मुहैया रहेंगी और सब चीज़ों पर चुनाव आयोग की कड़ी निगाह बनी हुई है। और चुनाव होने के बाद, मतदान होने के बाद मतगणना तक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।